डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमले नाकाम कर दिए गए। एक के बाद एक कई हमले नाकाम किए गए। आगे बढ़ने की कोशिश में थे यूक्रेनी, लेकिन उन हमलों को नाकाम किया गया। कई यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। रूसी डिफेंस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को भी ढेर किया। उधर डीपीआर में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने 31 बार गोलीबारी की है। यूक्रेनी गोलीबारी में 2 नागरिक घायल हो गए। देखिए एक और बड़ी खबर, डीपीआर में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने 31 बार की गोलाबारी। यूक्रेनी गोलाबारी में 2 नागरिक घायल। हमले में यूक्रेन ने दागे कुल 181 गोले। देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर हमला। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने ग्रैड मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में एक महिला की मौत की खबर। 2 एयर टारगेट मार गिराए गए, ये रूस ने कहा। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस के सेवास्तोपोल पर ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, यूक्रेन का ड्रोन से सेवास्तोपोल पर हमला। 9 यूक्रेनी ड्रोन से सेवास्तोपोल पर अटैक किया गया। सेवास्तोपोल के गवर्नर ने हमले की पुष्टि की है। सभी यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। तो रूसी इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं कैसे यहां पर सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर हमला हुआ है। ये देखिए 9 यूक्रेनी ड्रोन से इसी जगह पर, जहां हम आपको इस मैप को जो दिखा रहे हैं, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इसी जगह पर ये अटैक हुआ है। इसके अलावा 9 यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ। समंदर से ड्रोन दागे गए। ब्लैक सी से हमले की आशंका जताई जा रही है। मैं जल्दी से जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, ये आप इस जैसे अभी मनीष भी बता रहे थे कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये यूक्रेन जो ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बना रहा है, इसको आप कैसे डिकोड करते हैं सर? देखिए, इस जंग की एक बड़ी भारी सीख जो बाकी दुनिया को मिली है कि डिफेंस हैज वंस अगेन टेकन प्रीसिडेंस ओवर द ऑफेंस। मतलब जो भी हमला करता है उसको नुकसान ज्यादा होता है, डिफेंडर के लिए काफ़ी आसान है। एयर डिफेंसेस बहुत पुख्ते और स्ट्रांग हो गए हैं। हालांकि यहाँ सेवास्तोपोल की ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर हमला किया गया है 9 ड्रोन से, जिनमें से कुछ एयरबोर्न ड्रोन्स थे और कुछ ये अनमैंड एयरक्राफ्ट जो सी क्राफ्ट थे, जिसको सी ड्रोन कहा जाता है, लेकिन वो तमाम के तमाम मार गिराए गए। एयर डिफेंसेस की ताकत, हमारे ग्राउंड डिफेंसेस की ताकत बहुत बढ़ गई है। इसीलिए रूस ने, देखिए, जो इस फेज में रूस ने टोटल डिफेंस लाइंस अपनी पक्की पुख्ता कर ली हैं। 3-tiered, 3-layered डिफेंस अख्तियार कर लिया है, जिसपे यूक्रेन बार बार सर मार रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैक्सिमम 1-2, 1.5-2 किलोमीटर की उसको बढ़त मिली है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी कैजुअल्टीज उठानी पड़ी हैं, मैन में, मटेरियल में, वेस्टर्न सप्लाई टैंकों की भी बड़ी कैजुअल्टीज और नुकसान हुआ है। बिल्कुल वो हिला नहीं पा रहा। बिल्कुल अभी तक उम्मीद थी कि रूस इनके पूरे हमले विफल करके खुद काउंटर ऑफेंसिव पे जाएगा, लेकिन लगता है कि रूस इंतजार में है कि इनकी जो 9 ब्रिगेड
नई जो इन्होंने ब्रिगेड खड़ी की हैं नेटो और अमेरिका की मदद से, वो एक बार लड़ाई में आके ध्वस्त हो जाए उसके बाद उनका पूरा रास्ता खुल जाएगा और वो अटैक करेंगे। ठीक है, इस वक्त वो उनकी जो एमिनेशन की सप्लाई है उस पर भी सवालिया निशान आ गया है, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और एक्सपेंडिचर ऑफ एमिनेशन बहुत ज्यादा है। इस पर बात करेंगे सर, इस पर भी हमारे पास कुछ जानकारियां, इस पर भी आपसे आगे इस बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन आपने बड़ी बात जो लकीर खींच दी है कि एमिनेशन की सप्लाई पर सवाल खड़ा हो गया है, इसको लेकर तो पूरे यूरोप में दो फाड़ है।